सिवान के समाज सेवी जीवन यादव ने तकरीबन 30 से 35 बेसहारा लोगों को निशुल्क आंखों का ऑपरेशन कराकर मुजफ्फरपुर से यहां लाने का काम किया। बताते चले कि विगत पिछले कुछ वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर जीवन यादव अपनी रुचि दिखा रहे हैं और इसी क्रम में हजारों से ज्यादा लोगों के आंखों का ऑपरेशन अभी तक करा चुके हैं। आज मुजफ्फरपुर से ऑपरेशन कराने के बाद सभी मरीज कंदवाड़ा स्थित जीवन सेवा सदन पर पहुंचे और यहाँ पर काफी खुशी व्यक्त किए। वहीं उन लोगों ने कहा कि यह हमारे रहनुमा है, कभी भी इनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। जिस तरीके से जीवन यादव ने हम लोगों को आंखों की रोशनी देकर एक नया जीवन देने का काम किया है, यह आगे बढ़े और फले फूले। इसी को लेकर समाज सेवी जीवन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। आइए सीधे चलते हैं और सुनाते हैं कि जीवन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा और जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है उनका क्या कुछ कहना है। एटीएन लाइव के लिए रिसु के साथ बंटी गुप्ता की रिपोर्ट। का भइल बा? सब ठीक, खाना पीना मिलबे कइला, आके होइए गइला। आँख बनल बा, जीवन जादू बनल बा। मुजफ्फरपुर मोतिया बीन रहल, तनी पानी गिरत है अभी। सब ठीक हो गया? दे रहा बैठी तनी धुआं तर लौकत अभी। ये लोग करौले बा लोग गई रहल, जीवन जादू के आदमी गई रहल। नाम बताइए? लक्ष्मी ना। कहाँ करे वाला? मोगल बाजार के। बताइए। जीवन जादव करौले बनी, आप आँख का ऑपरेशन करौले बनी, आँख से ना पूजा तलब लौकता। तीन टाइम खियौले बनी, चाह पानी सब खियौले बनी। आ मुजफ्फरपुर बनल बा यहाँ, हाँ खूब देखाई देता और साफ आँख लौकता। एको रुपया नहीं के लग रहा, खाली आधार कार्ड दिए। जी बहुत अच्छा काम, हमके नाम लीले से दोनों आँख हुए बनौले बनी। हयो बन गल बा, हयो बन गए, दोनों बा बन गल। जीवन जादव बहुत हमके मदद कैले बनी। बताइए क्या हुआ था? मेरा आँख में बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा था, तो कहीं भी हम जाते थे तो लोग कहते थे लोग 25,000-20,000 पैसा लगेगा। उतना पास मेरे पास था नहीं पैसा, तो फिर कहीं से हम सुने कि इनके पास दिखाया जा रहा है, फ्री में सेवा हो रहा है, तो वही हम आए। तो सचमुच से फ्री में हुआ, तो हम दिखाए तो बोले कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, तो फ्री मतलब होगा ऑपरेशन। तो फिर मोतियाबीन हो गया था मेरा आँख में, तो वही हुआ। लेकिन मैंने आजकल के अपना दादी के माँ के लोग नहीं कर रहा है वो काम, ने जीवन जादू करके दिखा दिया है। जो बेटा का रूप होता है, पोता का रूप होता है, वो जीवन जादू दिया है रूप। अब इससे आगे हम क्या कहें? अब ये आगे दौड़े, अब हम लोग पीछे से दौड़ेंगे। जहाँ भी दौड़ना होगा पीछे से दौड़ेंगे। हाँ, एकदम दौड़ेंगे। कुछ आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़े कि और हम लोग को सेवा करें। आगे बढ़े क्या? कुछ बने, कुछ बने, एमपी बने, चाहे कुछ विधायक बने, कुछ बने, हम लोग ये चाहेंगे। उम्मीद है कि एकदम उम्मीद है, एकदम उम्मीद है कि और कोई का नहीं करेगा, हम तो पीछे दौड़ेंगे। हम दौड़ेंगे, अपना हम रिक्स ले रहे हैं, हम लोग 2-3 आदमी हैं, हम लोग दौड़ेंगे। मेरा कहा है कि आँख ऐसा चीज है ना कि किसी का कोई दे नहीं सकता। ये जीवन जादू हमको दिए हैं, कोई नहीं दिए। जीवन देने का काम किया, जीवन, हाँ जीवन देने का काम किया है, जीवन जीवन देने का काम किया है, वो मेरा मिला है। तो अब इससे आगे क्या चाहिए हमको? बस वो बेटा चाहिए हमको। अपना नाम बताइए? जानकी देवी। जीवन जादू बहुत मदद करे बानी। क्या मदद की है आपको? मदद की कम लौकत और ज्यादा लौकता। कितना दिन पहले आप आए थे यहाँ? चार पाँच राय लानी। अच्छा, तो उस समय आपको आँखों से दिखाई देता था कि नहीं? कम लौकता रहा है और ज्यादा लौकता है। कहाँ ऑपरेशन हुआ है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। और नाम का परी? हमार हरि प्रसाद। कहाँ घर पर? पकवालिया। तो कैसे, क्या हुआ है, क्या हुआ था आपको? काल हम लोग गए तो बहुत बढ़िया हुआ, सब व्यवस्था हुआ, ऑपरेशन हुआ है मुजफ्फरपुर, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ है। आँख से बहुत साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है आँख में आपके? आँख धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो आप साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या पैसा वैसा भी लगा या फिर? नहीं कुछ नहीं लगा, फ्री में, सब खाना वाना सबको व्यवस्था किए थे। उनके द्वारा कराया गया है? जीवन जादव के द्वारा।
के लिए कुछ कहेंगे आप? हाँ कहेंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, गरीबों को सब मदद करते हैं, आँख भी बनवाए और भी कोई इलाज होता है करवाते हैं। अपना नाम बता दीजिए। शिवधारी सिंह, चनौर के। आप बताइए तो चाची, किनके द्वारा आँख अपना बनवाया गया? जीवन यादव बनवानी है। अच्छा, का भैर उ आँख में आदमी ना चिन्ह तल हन, आँख में दिक्कत रहा कि रास्ता ना चल जात रहा। अच्छा, तो अब का अब ठीक बा? हाँ अब ठीक बा। अब आँख से कैसा लोग होता? अब आँख से ठीक लोग होता, दवाई वही दिल ही बने। अच्छा। आवे जाए कि हमारे खर्चा लगल ही नहीं के वहाँ के तरफ से बनल बा। के दे दिले भाई सब खर्चा? जीवन यादव वे भेजो अले बने। कितना दिन पहले रुआ आई रहे? हम तो महीना दिन पहले आनी तो कहनी एक महीना के बाद बने। अच्छा। तो एक हफ्ता बाद कह के आनी तो देखा के गनी तो कहनी कि ठीक बा, माने बस भूक ना भर रहा तो तनी लेट हो गए। तो हमरा लगे फोन गल जब अथी भैल आदमी हो गए हन तो कहनी सन जो ठीक बा चलम सन। पैसा वैसा भी लगल है? ना हमनी के एको पैसा खर्चा नहीं खेल लगन, खाना पीना और बस गाड़ी उड़ी भरा वरा सब वहाँ के लगन। कुछ कहें रुआ जीवन यादव खातिर? काहे ना कहे, जीवन यादव खातिर जहाँ वहाँ के अथी करम तहाँ हमनी के खोजम तहाँ खड़ा होकर सन, कौनो काम लागी कहीं हमनी के अथी करम तो हमनी के वहाँ खातिर तैयार बनी सन। अपन नाम बताइए। कांति देवी। कहाँ के रहे वाला? लूसी के खुरुत, लूसी के लूसी दुगो। बताइए कैसे, बताइए कौन बनवा कर मंगवाया है, क्या हुआ था आँख में, क्या दिक्कत थी? आँख में मोतियाबिंद था। अच्छा। जीवन यादव भी बनवाए हैं। अच्छा। कितने दिन पहले आप यहाँ आए थे? यहाँ पर 15-20 दिन पहले हम आए थे। अच्छा, उस वक्त क्या बताए थे आप, ऐसे क्या बातचीत हुई थी बताइए? डॉक्टर साहब बताएं कि मोतियाबिंद है, ऑपरेशन गाड़ी जाएगा आप चला जाइएगा, तो कल हम लोग गए ऑपरेशन कर। आप ठीक है एकदम फ्रेश लोग? हाँ एकदम सही है। क्या कहेंगे जीवन यादव के लिए? बहुत जीवन यादव बहुत बढ़िया ही, अच्छा ही काम किए। अपना नाम बताइए। नरसिंह माझी। कहाँ के रहने वाले? लूसी खुद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का यही कारण है कि जो हमारे यहाँ संस्था है जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन, जिसके द्वारा हमने आज अपने जिला के लोगों का जो सेवा किया, कॉपरेशन कराया, जिनके भी माध्यम से ये लोग मुझ तक पहुँचे होंगे, उनको तहे दिल अभिनंदन करने के लिए, दिल से प्रणाम करने के लिए फ़ोन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि जो लोग अब मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ अभी तक नहीं पहुँची है, मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आँख का ऑपरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हम कर सकें, और जहाँ तक भी लोग मुझे मदद करना चाहते हैं, अगर मदद करना भी चाहते हैं तो हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है। कितने लोगों का आँखों का ऑपरेशन आपने करा करके? और आज देखिए, अभी इस बार हमको 83 आदमी का आँख का ऑपरेशन कराना था, जिसमें आज 50% लोग का हो गया है, 50% लोग का हम अगले बुधवार को भेजेंगे ऑपरेशन कराएंगे, और पथरी का भी, मतलब जो कमज़ोर है, मजलूम है, असहाय है, जैसे मान लीजिए कि पथरी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, छोटा मोटा जो जिला स्तरीय ऑपरेशन हो, तो हम ये मीडिया के माध्यम से ज़रूर आग्रह करेंगे उन लोगों को जो समझदार हैं, वो उन तक मेरा मैसेज पहुंचाएं, जो गरीब है, कमज़ोर है, जिनको मोबाइल से दूर रहते हो, गांव देहात में रहते हो, जिन्हें न्यूज़ से मतलब ना हो, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि नहीं, अगर कोई परेशानी है तो वहाँ जीवन यादव जनसेवा फाउंडेशन में संपर्क करें, उनका हम सेवा करेंगे जितना हो सके, जिस तरह से होकर। जीवन जी, अब तक कितना ऑपरेशन आप करा चुके हैं? देखिए, बहुत पहले जब हम ये संस्था शुरू किए थे अपना, तो बोले थे कि 1000 कर लेंगे तो एक पार्टी मनाया जाएगा मीडिया बंधु के साथ, लेकिन अब हमको पता ही नहीं कितना करा दिए, हर बार कराते ही रहते हैं, हर तरह का ऑपरेशन कराते ही रहते हैं, तो अब अनलिमिटेड हो गया है। इस बार कितने लोग गए हुए थे, कहाँ इन लोग का आँखों का ऑपरेशन? देखिए, हम मैं मुजफ्फरपुर भेज के ऑपरेशन कराते हैं, जितने लोग गए हैं इससे ज़्यादा लोग अगले बुधवार को जाएंगे, अभी वो लोग रुक दिए गए कि एक शिफ्ट में ही हम दो शिफ्ट कर दिए, एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए दो इस तरह से इलाज हो तो एक जो व्यक्ति है कितना खर्च, लगभग कॉस्ट कितना आ सकता है? अगर यहाँ सिवान में आप पता कर सकते हैं कि कोई भी आँख का ऑपरेशन हो तो नियर अबाउट कितना भी सस्ता कोई करेगा तो 10,000 के ऊपर ही करता है आँख का ऑपरेशन। सिवान में भी एक दो बहुत लोग कराए हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ने लगा, तो एक सिस्टम के द्वारा, संस्था के द्वारा हम लोग जोड़ के कम खर्चे में
कर लेते हैं, इसलिए हम लोग मुजफ्फरपुर अच्छा लेंस लगवाते हैं, जिससे कि जे अगली बार एक महिला थी जिनका ऑपरेशन हुआ था, उनका उम्र 70 वर्ष था, और उनसे हम पूछे कि आपको दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, सक्सेसफुल है, लेंस अच्छा लगना चाहिए आँख का ऑपरेशन में, जो सबसे ज़रूरी है कि लेंस के लिए हम लोग बाहर भेज के कराते हैं। और आने जाने का कैसे इन लोगों का? वो सब कुछ फ्री है, मेरे तरफ से बस व्यवस्था होती है, खाना व्यवस्था होता है, ले भी जाते हैं ऑपरेशन करा के फिर लाते हैं, यहाँ तक यहाँ से फिर अब उनके घर पहुँचाने की भी सुविधा दी जाती है। हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई राजनीतिक उपदेश है, मानव सेवा है, जीवन यादव से ये सवाल पुनः फिर एक बार पूछा जाता है। देखिए, ये मानव सेवा है, हम तो जो कर रहे हैं मानव सेवा है, और इस सेवा करने से अगर हमें राजनीतिक में उत्थान मिलता तो ये सब लोग करके उत्थान लेते, सबको जुमलेबाजी करने का जो सेवा करते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते हैं फिर भी नेता लोग बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेवा से राजनीति नहीं की जा सकती है। एक ट्रैप रास्ता मिलता है, ट्रैक मिल जाता है कि नहीं, इस रास्ते से माध्यम से हम और पोजीशन में आएंगे, कुर्सी पे आएंगे, तो ज़्यादा सेवा करेंगे। सोच सबकी रहती है, मेरी भी सोच है कि हम एक मजबूत कुर्सी पे बैठ के खुद लोगों का सेवा कर सके, सिर्फ ये इलाज कराना, और भी व्यवस्थाएं देते हैं जो हम देना, इससे भी ज़्यादा व्यवस्था देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, कमज़ोर है, मजलूम है, उनके विरुद्ध में कोई है जिनकी मदद कोई नहीं कर पा रहा है, व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उनके लिए खड़े होने के लिए आपको सक्षम और मजबूत होना जरूरी है। तो हम कोई भी चाहेगा, जो लोग भी चाहे, ये सोचना चाहिए कि हम मजबूत रहेंगे तभी हम किसी को मजबूत कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूती के साथ आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो क्या लोकसभा चुनाव में जीवन यादव लड़ेंगे चुनाव इस बार मजबूती के साथ? नहीं, देखिए बहुत बड़ा चुनाव, हमेशा कहते हैं कि अगर जनता जिसको चाहती है वही नेता बनता है, अगर जनता की चाह वो जीवन यादव की राह, मेरा स्लोगन निकला हुआ है, जनता जो चाहेगी हम वही करेंगे। जिस तरीके से जीवन जी अगर पिछले साल की बात कर ले, जिस तरीके से आप बिल्कुल रेस्ट थे, चाहे ठंड से लेकर के और भी जो भी सदन के द्वारा जो काम कराया जाता था, और इस बार देखा जा रहा है बिल्कुल स्लो हो गए, कारण क्या है, सिवान की जनता जानना चाहती है। देखिए, स्लो नहीं हुए, जितना हम बोले थे कि सक्षम उतना कर रहे हैं, अभी सक्षम में जो काम कर रहे हैं जी, लकड़ी गिरा ही रहे हैं लोग, व्यवस्था जो बन रही है कर ही रहे, जितना हम, देखिए हम तो कोई हमारे पिताजी कुबेर का खजाना छोड़ के गए नहीं है, और संस्था एक सिर्फ मेरा बना हुआ है जिसके माध्यम से मैं सेवा करता हूँ, संस्था में कोई डोनेशन नहीं आता है, जो करना है मुझे अपने स्वयं अपने इनकम से करना है, जितना इनकम है उतनी सेवा करता हूँ, जनता की अगर ताकत मुझे और मिलेगी तो इससे 100 गुना बढ़ चढ़ के मैं क्या माध्यम है, क्या तरीका है जनता की ताकत की आप बार बार दुहाई देते हैं, क्या तरीका है आपके लिए जनता का ताकत पाने का? देखिए, हमें जनता की ताकत पाने का तरीका नहीं है कुछ, जनता जो चाहेंगे हम वो करेंगे, वही तो जनता की सवाल है, हम तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इरादा है जीवन यादव का? इरादा यही है कि जिस दिन जनता चाहेगी हमको उस जरूर कुर्सी पर बिठाएगी। आप बताइए ना कि क्या जनता कैसे चाहेगी, जनता तो चाह रही है कि लोकप्रिय हमारे समाज से भी जीवन यादव संवैधानिक पद पर जाए, तो वही तो बोले जो जनता की चाह वही जीवन यादव की लड़ेंगे चुनाव जल्दी। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो जनता चाहे मुझे मैसेज मिलेगा तो क्या नहीं करेंगे, कौन नहीं करना चाहता। आपने लगभग 8 महीना 1 वर्ष पहले वादा आपने किया था कि सामूहिक विवाह हम कराएंगे, गरीबों की लड़कियों की शादी कराएंगे, और इस जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए एक मॉडल अस्पताल होगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, कारण है कि हम बोले थे ना, उस समय भी एक बात बोले थे, जितने हम सक्षम है उतना जरूर करेंगे, उस समय जितना देखिए हम कहे ना कि जो इनकम है उसका हम 80% डोनेट करते हैं, तो जितना इनकम है उतना सेवा कर रहे हैं। अब हम ये थोड़े करते हैं कि एक केला पे 6 आदमी फोटो खिंचवा के सेल्फी खिंचवा के और फेसबुक पर डालना, ये काम तो हम करते नहीं हैं। जितना सक्षम है आज भी कर रहे हैं, जितना सक्षम रहे कल भी करें, कल मेरी स्थिति ऐसी हो जाए कि मैं अपनी व्यवस्था को ना देख पाऊँ और कल आप मुझसे ये सवाल करें कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सवाल आपका रहेगा, जवाब तो जनता दे देगी ना कि कल हम उस लायक नहीं रहेंगे। जो स्थिति 2023 में थी इस बार बिगड़ चुकी है। हाँ, जब से राजनीति में आए तब से बिजनेस पर तो प्रभाव पड़ ही गया, इनकम जैसे होता है ना, समय आदमी ज्यादा इसमें दे रहे हैं, इनकम तो जाहिर सी बात है कि इनकम के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। झुकाव किस तरफ, बिजनेस के तरफ रहेगा या राजनीति के तरफ? देखिए, अभी तो हम दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, एक साथ नहीं हो सकता। दोनों सेवा को लेकर चलना है तो बिजनेस को भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सेवा सिर्फ करेंगे तो साइड इनकम तो कोई है नहीं। पिछले साल पिताजी की मृत्यु के बाद शायद जीवन यादव कुछ स्थिर हो गए हैं, इस बात पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी की मृत्यु के बाद स्थिर नहीं हुए हैं, हर एक परिवार में ऐसी कोई घटनाएं होती है तो आदमी थोड़ा कुछ दिन तो रहता ही है डिस्टर्ब। हमारे पिताजी थे कुछ नहीं, तो एक ताकत थे, मेरे लगता था मेरे पिताजी जिंदा है, मैं कुछ प्रॉब्लम में फंसूंगा तो अपने पिताजी से कहूँगा, चाहे उनसे कह दूंगा तो ये काम हो जाएगा, एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता था।